हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं विपिन कुमार का सब स्वागत करता हूँ नई वीडियो पे। सो गाइस, ये गर्मियों का सीजन है और गर्मियों के सीजन में क्या होता है ना, गांव में या कस्बों में, सिटी में आप देखोगे कूलर की बहुत डिमांड बढ़ जाती है। कूलर की डिमांड इतनी बढ़ जाती है, कूलर जो हम लेते हैं वो भूल जाते हैं कि कूलर हमें किस टाइप का लेना चाहिए। और हम कोई भी कूलर आप मार्केट से उठाकर ले आते हैं जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, मैंने आप इस वीडियो में क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर कूलर आप ले रहे हो तो कूलर में क्या क्या चीज़ें आपको बरतनी चाहिए, अगर ऐसी क्या चीज़ है जो कूलर में देखनी चाहिए जो आपको बाद में प्रॉब्लम ना करे। क्योंकि हम जल्दी जल्दी में, गर्मियों का सीजन होता है, जल्दी जल्दी में कूलर खरीद लेते हैं, बाद में हमें परेशानी होती है कि कूलर में तो ये प्रॉब्लम है, कूलर में वो प्रॉब्लम है। तो वही चीज़ का सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। इसने कूलर ले लिया है और आप कूलर आप चला रहे हैं घर में और आपको फेस करनी पड़ रही है उसका एयर थ्रो, मीन्स उसके साथ थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, वो प्रॉब्लम बहुत सारे कस्टमर को झेलनी पड़ती, बहुत सारे लोगों को झेलनी पड़ती, जो मुझे भी काफ़ी कमेंट आते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। सो गाइस, ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है मैं बताने वाला हूँ इस सारी वीडियो में। सो गाइस, बने रहे वीडियो पे। मैं विपिन कुमार का सब स्वागत करता हूँ मेरे नई वीडियो पे। आपके कूलर में पानी आ रहा है, दो प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सो गाइस, पहला नंबर अगर आप बात करें कि कूलर में अगर पानी क्यों आ रहा है, अगर आपने कूलर को एक दीवार के, जो अपनी वाल होगी दीवार के किनारे से आपने सटा के रखा है और उसको जो उसका हनीकॉम्ब होता है उसका, तो उससे प्रॉपर तरीके से अंदर जो हवा होती है वो सक्स नहीं हो पा रही, सक्शन नहीं हो पा रही, अंदर हवा नहीं भेज पा रहा है, उसकी वजह से हो सकता है पानी के छींटे भी साथ में आपके साथ आ जाती है हवा के साथ में, जिससे आपको हवा का साथ में पानी लगता होगा। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सोल्यूशन बताता हूँ उसके आगे। अगर दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है, जो रूम होगा वो पूरा बंद होगा, पूरी तरह से बंद होगा, कहीं से भी जगह नहीं होगी उसका एयर फ्लो बाहर जाने का। क्योंकि कोई भी अगर आप एसी भी लगवाते हैं तो आउटडोर जो एसी का लगा होता है उसको भी बाहर लगाना पड़ता है, क्योंकि अंदर क्या हुआ बाहर फेंकने के लिए। सेम काम करता है ये कूलर भी, अगर उसमें आपने बंद कमरे में कूलर चला रहे तो आपको ये फेस करना पड़ेगा। अगर आपने कूलर लिया हो, आपने पूछा भी होगा शायद मार्केट में या आपने दुकानदार से पूछा भी होगा तो उसने बताया भी होगा सारी चीज़ें। इसका सोल्यूशन एक ही है कि अगर आपने बंद कमरा किया हुआ है उसको बंद कमरे में बिल्कुल नहीं रखना है, या फिर अगर आपको लगता है बंद कमरे में चलाना है कूलर, तो दो टाइप के कूलर होते हैं जिसमें से एक होता है हनीकॉम्ब वाला और एक होता है घास वाला। जो घास वाला कूलर होता है तो आपको हमेशा प्रॉब्लम करेगा, उसमें पानी के छींटे हमेशा आने वाले, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर सेकेंड बात करें, आपको लगता है बंद कमरा है, तो हनीकॉम्ब पैड जो रहता है, जो हनीकॉम्ब का रहता है डिजाइन वाला, वो आप ले सकते हैं कूलर, वो आप लगा सकते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक भेज का प्रॉब्लम कम रहेगा। ये एक पहला सोल्यूशन है। अगर आपको लगता है ओपन एरिया फिर भी कूलिंग आ रहा, कूलिंग के साथ में पानी आ रहा है, तो उसका क्या, उसका भी यही सलूशन है। अगर हनीकॉम्ब वाला है या कोई भी है, तो आप जो दीवार है, जो वाल है आपके, जहां पर आपने रखा हुआ कूलर को, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर फोटो में, इस टाइप का अगर आपने रखा हुआ है तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उसको आपको थोड़ा सा, कम से कम आपको 2 से 3 फुट आपको जो वाल होगी उससे दूर आपको रखना है कूलर आपका, जो ये प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा। ये ही एक सोल्यूशन है जो आपको कंप्लीट करना है। और एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, अगर आपको लगता है कि ये भी सारी चीज़ हमने कर ली है फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कूलर का जो चारों तरफ का उसका पैड है, एक बार उसको क्लीन कर दीजिए अच्छे से और वापस उसको लगा दीजिए। हो सकता है सक्शन प्रक्रिया जो होती है पूरी तरीके नहीं हो पाती है, उसका जो कूलिंग का पैड होता है वो प्रॉपर तरीके से गीला नहीं हो पाता, जिससे क्या ना डायरेक्टली फैन के सामने पानी आता है और वो डायरेक्टली आपके सामने आ जाता है, फ्लो होकर के जो पानी आपको लगता है कि पानी सामने आ रहा है। ये चीज़ हो सकती है गाइस। सो गाइस, ये चीज़ आप संभाल लीजिए। अगर आपका रूम का साइज जो है ना, रूम के हिसाब से आपको बंद करके रखा है, तो उसमें हनीकॉम्ब का लगा दीजिए, वहाँ पर हनीकॉम्ब पैड वाला कूलर लीजिए। अगर आपको नॉर्मल लगता है कि नॉर्मल है फिर भी कूल वो पानी आ रहा है, तो आपको सिंपल तरीका है कि कूलिंग के लिए आपको जो कूलर है आपका, उसको अपने दीवार से थोड़ा सा दूर रखिए, जिससे वो प्रॉब्लम जो है ना सोल्यूशन वाला हो जाएगा, वो सोल्यूशन हो जाएगा। ये वीडियो में इतना ही है। मैंने ये ट्राई किया हुआ है, मेरा भी कूलर मैंने लिया था, ये प्रॉब्लम फेस हुआ था, जब मैंने चीज़ देखी तो मैंने भी वो चीज़ किया, इसके बाद मैंने वीडियो बनाया जाकर। सो गाइस, वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी और ये प्रॉपर तरीके से वर्क करे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और मिलता हूँ नई वीडियो पे। अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप की नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ नई वीडियो पे। थैंक यू।